सोन नदी है ये, हमारे गांव की जीवन रेखा है ये नदी, यहीं से गिरा वो बस बच गए और यहां से फिसलते फिसलते नदी तक चला गया था वो गाड़ी। ये देखो मैं पहले ही उतर गया यहां पे, बहुत टाइम बाद एक घर दिखा जंगल के बीच में। तो बस स्टैंड देखो, खूब सारा बस यहां पे खड़ा हुआ है। ये रहा एक चौक, गांधी चौक, और ये हॉस्पिटल ही बन रहा है। दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग कुछ दिनों से गांव में रह रहे हैं और दिक्कत ये हो गई है हमको कि मम्मी जो है डायबिटीज़ की पेशेंट है, तो मम्मी का दवा जो है जबलपुर से चलता है, जबलपुर के डॉक्टर है जो मम्मी का ट्रीटमेंट करते हैं। दिक्कत ये हो गई है कि हम जैसे गांव आए हैं, इसी बीच मम्मी का दवा जो है ख़त्म हो गया। अब गाँव में अब यहाँ कहाँ उतना बड़ा मेडिकल वगैरह यहाँ पर है नहीं, हमारे जो पास में अनूपपुर है ज़िला है वो, तो वहाँ पर बहुत मेडिकल स्टोर वगैरह है, तो अपन लोग वहाँ पर जा करके पता करते हैं कि दवा मिलता ही नहीं। उम्मीद कम है लेकिन मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर अपन लोग को वापस रीवा जाना पड़ेगा। तो अपन लोग अभी इसके साथ, जिसके साथ मैं ज़्यादातर घूमते रहता हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ अनूपपुर। अनूपपुर यहाँ से पास पड़ता है, सोन नदी है ये, हमारे गांव की जीवन रेखा है ये नदी, इसी के तट पर हमारा गांव बसा हुआ है। तो अपन फिर से निकल गए पुल के पास, यहाँ पे बहुत खतरनाक वो है इस किनारे पर। ये देखो बस इतना ही सकला है, यहीं से हमारे सेठ जी जो है दुकान जो रखे हैं गांव के, मल्टी टैलेंटेड सेठ जी, वो उनका गाड़ी यहीं से गिरा, वो बस बच गए और यहां से फिसलते फिसलते नदी तक चला गया था वो गाड़ी। इसके इतना ही पतला यहां पे जगह बचा हुआ है, बाकी इधर भी देखो खूब खाई है, इधर भी खूब खाई है। हालांकि उसको चोट वगैरह ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि वो गाड़ी को छोड़ दिया था, वो गाड़ी से मतलब कूद गया था वापस। दोस्तों अपन अभी जंगल में आ चुके हैं, ये देखो ये यहाँ से अनूपपुर लगभग 7 से 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से के अंदर ही पड़ता है। बहुत पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब पैदल जाया करते थे यहाँ से अनूपपुर, जैसा दुर्गा पूजा वगैरह होता है या ऐसा कुछ कुछ होता है तो उस पर अपन लोग पैदल ही चले जाया करते थे। पर आज तो खेती करने भी लोग गाड़ी में जाते हैं, इसी को देख लो, ये अपने खेत में गाड़ी में जाता है। ये देखो बहुत टाइम बाद एक घर दिखा जंगल के बीच में, अपन को अभी और आगे जाना है। ये आ गया रोड, फाइनली ये जंगल इधर ख़त्म हो गया और अपन आ गए रोड में। अब यहाँ से तेज तेज से हम लोग निकल जाएंगे। दोस्तों अभी अपन लोग अनूपपुर में घुस चुके हैं, ये देखो खूब ज़्यादा घर वगैरह दिखने लगा है, भीड़ भाड़ इलाका दिखने लगा है। ये अनूपपुर में अपन लोग एंट्री कर चुके हैं, कितना कंजेस्टेड है। आगे बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड देखो खूब सारा बस यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से अपन राइट जाएंगे, मार्केट है यहीं पे, सब्जी वगैरह का दुकान लगता है बुधवार को, बुधवार यहाँ का मार्केट होता है। चलो खुला है दोस्तों, वो मेडिकल स्टोर ओपन है, मिल सकता है। ये रहा पुरानी दवाई का, भैया ये दवाई देखिए जरा मिल जाएगी। हाँ हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर ये दवा यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो देखते हैं काज जगह और पता करते हैं। आगे एक और मेडिकल स्टोर है, भारती मेडिकल स्टोर बोलते हैं, पर दिक्कत यह है कि आज शनिवार है, आज पूरा मार्केट बंद रहता है लगभग, कुछ एक आध खुले रहते हैं बाकी तो बंद ही रहता है। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे पता कर लेते हैं। ये यहाँ पे कोने पे ही है भारती मेडिकल स्टोर, कहाँ गया, बोर्ड तो ऊपर दिख गया है पर ये बंद है, नहीं ये नहीं है, उस पार से शायद दरवाज़ा, वेरी बंद है, अरे खुला है खुला है खुला है, शायद यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है दोस्तों वो मेडिसिन। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो जिला हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे जा रहे हैं अपन लोग, शायद वहाँ पे मिल जाए, देखते हैं मिलता है कि नहीं, चलते हैं अभी वहाँ पे, करीब और ज़्यादा मेडिकल स्टोर मिलने वाले हैं अपने को। ऊपर से ट्रेन जा रहा है, नीचे से अपन लोग जाएंगे, ये ऊपर ट्रेन नीचे से अपन लोग। ये रास्ता चला गया अमरकंटक, जिनको अमरकंटक राजेंद्र ग्राम वगैरह जाना है तो यहीं से जाते हैं। ये है यहाँ का उत्कृष्ट विद्यालय, ये रहा एक चौक गांधी चौक, और ये हॉस्पिटल ही बन रहा है और बड़ा किया जा रहा है। दोस्तों ये लास्ट मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे पूछेंगे, इसके बाद समोसा खाएंगे फिर निकल जाएंगे घर। तो चलिए यहाँ पे पहले पता कर लेते हैं मिलता है कि नहीं यहाँ। समोसा खा ले फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी जाते वक्त अपन दूसरे रूट से जा रहे हैं, ये देखो ये उधर पे जाकर के हमारी नदी के पास ही उस रोड पे मिलने वाला है, वहाँ पे एक गांव है वहीं पे मिलेगा। हम तो हैं समय, हम तो हैं।
दोस्तों फिर से आ गया वही जंगल, यहाँ से अपन एंट्री लेने वाले हैं जंगल में। ये सभी रो जो ट्रैक दिख रहे हैं इंसानों द्वारा बनाए, मतलब ऐसे जंगली रास्ते, कहीं ना कहीं गए हैं सब, उधर चले गए हैं कुछ, इधर चले गए हैं। दोस्तों ये वो ख़तरनाक जगह फिर से आ गया है यहाँ पे। ये देखो मैं पहले ही उतर गया यहाँ पे, वो देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर हल्का भी बैलेंस बिगड़ा ना तो इधर फिर खूब खाई है, नीचे सीधा पानी मिल जाएगा, नहला देगा। अब गांव लगभग हम लोग आ गए हैं, बगल में ही गांव है, तो अब ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। लेकिन यार पहले जैसा मज़ा नहीं आया आज में, क्योंकि खाली हाथ गए, खाली हाथ आ गए, जो कारण मेन वही कारण से गए थे दवा लेने के लिए, वो मिला नहीं। और ऊपर से अब शहडोल में से उम्मीद थी, तो वहाँ भी हमने कॉल करके पूछ लिया, जैसे तो वो बोले वो दवा वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, मिलेगा 2-3 दिनों बाद मिलेगा, वो ऑर्डर पे मंगाएंगे, तब तक तो मैं खुद ही रीवा पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए अब फिलहाल कल हो सकता है हम लोग रीवा चले जाएँ वापस। तो बाय बाय।